नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टेलसर्टन 40 टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो टेलसर्टन 40 mg टैबलेट मार्केट में आती है, डॉक्टर रेड्डीज कंपनी की आती है। 14 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 14 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 96 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यानी 96 रुपये और 50 पैसे। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर टेलमिसर्टान 40 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो टेलसर्टान 40 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसकी वजह से सर में चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दवा बढ़िया दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको डिजीनेस आ सकता है, वीकनेस आ सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, दिन में से एक बार लेना चाहिए। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।